गांव मसूंदी के पत्रकार पर किया जानलेवा हमला, कार्रवाई की मांग को लेकर संपादक संघ ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएसपी को दिया ज्ञापन। मदसौर सुवासरा तहसील के गांव मसूंदी के पत्रकार बद्रीलाल सूर्यवंशी ने ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खबर चलाई थी। खबर से बौखलाकर सरपंच पत्रकार बद्रीलाल सूर्यवंशी के घर पहुंचा और धमकाया कि हमारी खबर लगाई है, अब तो अंजाम देख लेना। इसके बाद दिनांक 7 मई को रात्रि के समय बद्रीलाल सूर्यवंशी मंदसौर कृषि उपज मंडी में अपनी उपज बेचकर वापस गांव जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे सरपंच पुत्र एवं 3 अन्य लोगों ने लठ से प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में बद्रीलाल सूर्यवंशी के दोनों पैर तोड़ दिए गए, हाथों व शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट आई है। हमलावरों के भागने के बाद गंभीर घायल पत्रकार बद्रीलाल सूर्यवंशी ने सुवासरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बद्रीलाल सूर्यवंशी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बद्रीलाल सूर्यवंशी के एक पैर में रॉड डाली गई है, दूसरे पैर में घाव ठीक होने के बाद प्लास्टर चढ़ाएंगे। इतनी बड़ी घटना के बाद भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित पत्रकारों ने जिला संपादक संघ के संस्थापक ओंकार सिंह एवं जिला अध्यक्ष शेख जफर कुरैशी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मंदसौर के नाम एक सीएसपी श्री सतपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई। ज्ञापन में मांग की गई कि आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, प्राणघातक हमले के धाराएं जोड़ी जाए, आरोपियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाए एवं आरोपियों का जुलूस निकाला जाए। सीएसपी भी दंग रह गए। बद्रीलाल की हालत देखकर ज्ञापन देने आए पत्रकारों ने बद्रीलाल सूर्यवंशी में शामिल था। जब सीएसपी श्री सतपाल सिंह ने बद्रीलाल की हालत देखी तो उन्होंने तत्काल सुवासरा टीआई शिवांशु मालवीय को फ़ोन लगाया और पूछा कि इतनी बड़ी घटना करने वाले आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। सीएसपी ने कहा कि एक पत्र तैयार कर एडिशनल एसपी साहब को भेजो, जिसमें सभी आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित करने के लिए लिखो। वहीं निर्देश दिए कि आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा निकालो और एक पुलिस टीम ऐसी बनाओ जो खाली हाथ नहीं लौटे। आरोपियों को पकड़ कर ही लाए और सीएसपी श्री सतपाल सिंह ने पत्रकारों को आश्वस्त किया है कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द गिरफ्तारी होगी। इस अवसर पर मदसौर सहित सितामू सुवासरा व आसपास के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह जानकारी जिला संपादक संघ के जिला मीडिया प्रभारी पुष्कर दैया ने दी। यह ज्ञापन 5:15 पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएसपी को दिया गया। क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत वास्तव दुखद रहा जो घटना हुई है और जल्दी से जल्दी शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी, उन पर रिवार्ड घोषित होकर नहीं मिलने पर उनकी संपत्ति कुर्क होगी और भविष्य में ऐसा नहीं हो तो सख्त से सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और अति शीघ्र इनको गिरफ्तार करने के सारे प्रयास जारी हैं और 24 घंटे में पूरी तरह से कटिबद्ध हैं परिणाम देने के लिए। सर, क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही 6 तारीख की घटना से लेकर आज तक अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए? नहीं, या तो ये सभी लोग फरार हो गए क्योंकि मीडिया के ऊपर हमला किया है जो कि हर चीज़ को, सही चीज़ को सबको उजागर करता है, तो पुलिस तो उनके साथ है। एक सामान्य आदमी से ऊपर बढ़ के एक मीडिया जब बन के वो कई जानकारी दे रहे हैं, पुलिस ने प्रयास पूरे किए होंगे लेकिन वो कोई मिला नहीं है, फरार हैं, तो हम उसमें इनाम भी घोषित करवा रहे हैं, संपत्ति कुर्क करवाएंगे और जितने भी, जैसे भी उनको पकड़ने के जितने भी प्रयास हैं वो सब पूरे करेंगे। धन्यवाद।